वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। तो आज नवरात्रि का आई थिंक सातवां दिन या आठवां दिन ऐसे कुछ है, और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूजा कर ली हूँ, और पूजा करने के बाद तो चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट करते हैं। तो आज मैंने ये ग्रीन साड़ी पहनी हुई है, और ये जो ग्रीन साड़ी है ना, ये मेरे पापा दिए हैं, मतलब मेरी शादी के टाइम की है, और उस टाइम पापा दिए थे मुझे ये साड़ी। तो अभी लगभग 10:30 हो चुका है और मुझे क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था कि मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसी है ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं बीएड के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर हमारा निकल चुका है, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है, तो सेकेंड ईयर की हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, क्योंकि अभी कॉलेज बंद है तो इसी वजह से ऑनलाइन क्लास ही हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने, 10:30 हो गया है, और ये देखिए क्लासेस स्टार्ट भी हो गई है, एंट्री भी मिल गई है मुझे। तो अभी 10:30 से लेके और 3 बजे तक हमारी क्लासेस चलेंगी। तो अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ अपना क्लास ज्वाइन करने, क्योंकि जितना ज़रूरी मेरे लिए YouTube है, उतना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरा स्टडी भी है, और उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरा घर परिवार भी है। तो घर परिवार भी मैं अपने अच्छा से देखना चाहती हूँ, और अपना स्टडी भी और यूट्यूब भी, साथ में तीनों चीज़ को मैनेज करना चाहती हूँ। थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अभी मैं अपना काम ख़त्म करके आ गई हूँ, झाड़ू पोछा सब हो गया है, कपड़े धो रही हूँ मैं मशीन में, और बीच बीच में मैं कपड़े भी धोते रहूँगी, अपना क्लासेस भी करते रहूँगी, क्योंकि हम मैरिड हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के 10 बजे से 3 बजे तक क्लास करते रहें। अगर आप घर में रहते हो तो काम तो रहता ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ क्लास करने, नाश्ता वास्ता मैं बना ली हूँ बट करी नहीं हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला, जस्ट अभी नहा के आई पूजा करके, 10:30 हो गया पूजा करते करते। तो बस अभी के लिए यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, आगे ब्लॉग जारी रहेगा, अभी मैं क्लास कर लूँ। गिर गया फोन, अभी क्लास ज्वाइन कर लूँ मैं पहले। तो अभी आई हूँ मैं छत पे कपड़ा डालने के लिए, और अभी मेरा क्लास चल ही रहा है, लेकिन जूम से क्लासेस चलती है ना, तो उसमें टाइम लिमिट 45 मिनट ही होता है, तो बीच में मुझे 5-10 मिनट की छुट्टी मिलती है। तो मैं बीच बीच में से कपड़े धो रही थी ना, दौड़ के आ गई, चलो छत पे कपड़े डाल देते हैं, नहीं तो फिर सूखेगा नहीं। दोपहर हो चुका है, 2 बज रहा है, 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट कम है, तो मैं कपड़े डाल दी हूँ। ये क्लचेट लगाना भूल गई थी, तो ये गई थी दौड़ के ले आने। यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, मेरी सासू माँ के हैं, ससुर जी के हैं, और मेरी दोनों ननद के हैं। तो सारे कपड़े मैं डाल दी हूँ, चलते हैं अभी नीचे, 5 मिनट में बस मेरा फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है। हाँ, रही हूँ, दौड़ के आई थी।
ये लाने चली गई थी दौड़ के आई ये लेके। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे, फिर से मेरा 2 बजे वाला क्लास स्टार्ट होने वाला है, फिर मिलेंगे बाद में। दौड़ते दौड़ते आ गई नीचे, हाँ रही हूँ अभी, और क्लास मेरा स्टार्ट हो चुका है। 2:03 हो रहा है, अभी तक सर ने मुझे एंट्री नहीं दिया है, क्लास तो स्टार्ट है। ये देखिए एंट्री मिल जाएगी थोड़ी देर में। और यही होता है, भागम भाग जिंदगी है हमारी, घर पे हैं तो काम भी बहुत सारा है। तो अभी कपड़े डाल के आ गई हूँ, अब क्लास कर लूँ, एंट्री मिल जाए, फिर मैं बाद में आप लोगों से बातें करूँगी। 3 बज गए हैं और फाइनली आज का क्लास जो है वो एंड हो चुका है, मतलब अब कोई क्लास नहीं है। 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक आज क्लास हुई थी। तो आज पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया, मतलब एक हफ्ते से मेरा पूरा दिन तो क्लास में ही चला जा रहा है, इस वजह से मतलब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जा रही है। तो अभी तो क्लासेस ख़त्म हो गई है, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा कुछ काम है घर का काम, वो सब काम ख़त्म कर लूँ और उसके बाद फिर मुझे सबका वीडियो देखना है। मेरी कुछ चैनल वाले फ्रेंड हैं जिनके खुद के भी यूट्यूब चैनल हैं, तो उनकी मैं वीडियोज देखूँगी और उसके बाद जो जो मेरे वीडियोज पे कमेंट किए हैं तो उनको मैं रिप्लाई करूँगी। और बस कुछ छोटे छोटे काम हैं तो वो सब काम ख़त्म करूँगी। तो अभी तो क्लासेस ख़त्म हो गई है, आप लोग देख रहे हो पूरा टाइम ऐसे ही निकल जा रहा है, भागम भाग हो जा रहा है एकदम। तो टाइम पे अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़ यार सॉरी, आप लोग कुछ गलत मत समझना, अभी क्लासेस की वजह से थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा है। तो अभी जा रही हूँ, सबका वीडियो देख लेती हूँ और सबको रिप्लाई भी कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा अपना काम भी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर डिनर बनाऊँगी शाम में। अभी के लिए बाय बाय टाटा। तो शाम के 6 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और आप लोगों को पता ही है कि 6 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। तो अभी मैं दोनों तरफ गैस चूल्हे पे एक तरफ चावल चढ़ाई हूँ और दूसरे तरफ दाल चढ़ाई हूँ, और साथ में मैं आटा भी गूँथ रही हूँ। और आटा गूँथने के बाद मैं प्रणाम करती हूँ आटा को, क्योंकि मम्मी ऐसा करती है, मेरी मम्मी, तो मम्मी ने ही हम लोग को भी सिखाया है। तो आटा गूँथ के मैं रख दी हूँ, दाल मेरा अभी बन रहा है, चावल बन चुका है, तो गैस उधर का मैंने ऑफ़ कर दिया। और अभी मैं भिंडी की भुजिया काट रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल रोटी और भिंडी की भुजिया। तो अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ फटाफट से, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं दिखाया है डिनर बनाते हुए, बस क्या बनाई हूँ ये बता दी हूँ आप लोगों को, दाल चावल भिंडी की भुजिया और रोटी चोखा बस। हाय गाइस, तो फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है। सुबह का तो मैं कुछ नहीं दिखा पाई आप लोगों को, क्योंकि मैंने बताया ही था कि 10:30 बजे से 3 बजे तक हम लोग का क्लास ही चल रहा था ऑनलाइन क्लास, इस वजह से मैं कुछ दिखा नहीं पाई सुबह में, क्योंकि भागम भाग हो गया था, जल्दी जल्दी उठी, आज जल्दी उठी थी रोज़ की अपेक्षा, और जल्दी जल्दी उठ के फिर जल्दी जल्दी सब झाड़ू वाड़ू सब काम ख़त्म करके फिर नाश्ता वास्ता बना के और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी ऑनलाइन क्लास के लिए। तो उसके साथ बीच बीच में मैं अपना कपड़ा भी धो रही थी, क्योंकि कपड़े जमे हो गए थे बहुत सारे, तो कपड़े भी धो रही थी मैं साथ में बीच बीच में, और अपना ऑनलाइन क्लास भी कर रही थी। थोड़ा दिक्कत होता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है साथ में, बट फिर भी अब घर पे हैं तो काम तो होता ही है, तो दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स हमारे हिसाब से तो चलेंगे नहीं, हम उनके हिसाब से चलेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन फिर भी चलता है। तो वो सब काम मतलब दिन भर तो मैं इधर बिजी हो जा रही हूँ क्लास की वजह से, तो मतलब मैं किसी का वीडियो भी नहीं देख पा रही, यूट्यूब पे कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तो अभी मैं देख ले, आप लोग तो देख ही लिए हैं, सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, मेरा डिनर भी बन गया है और सब कुछ हो गया है, सारा काम ख़त्म हो गया। और शाम में थोड़ा सा डेली छत पर चली जाती हूँ घूमने। और आप लोग को बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा कि सब लोग करवा चौथ की शॉपिंग कर रहे हैं, सबके मतलब जितने भी लोग हैं ना यूट्यूबर, सबके सब करवा चौथ की शॉपिंग करें, 1 महीना पहले से ही शॉपिंग कर रहे हैं, बट मैं इस साल करवा चौथ की शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि देखिए होता क्या है ना, कि जब से मेरी बीएड में एडमिशन हो गई है तो सारा पैसा उधर ही चल जाता है, बीएड में बहुत ज़्यादा पैसा लगते हैं तो सारा पैसा उधर ही चला जाता है। और हस्बैंड इतना ज़्यादा तो नहीं कमाते हैं कि मेरी पढ़ाई लिखाई भी देखें और साथ में मेरी शॉपिंग वॉपिंग भी करवाते रहें, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है।
वो सब समझना पड़ता है। एक बार मैं मतलब किसी की अपने फ्रेंड या किसी की बात कर रही थी अपने हस्बैंड से कि वो उनके हस्बैंड उनको ये दिलाए वो दिलाए, तो ये बहुत गुस्सा हुए थे, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए थे, बोले कि देखो तुमको दो चीज़ करना है, एक तो अपना या तो शौक श्रृंगार पूरा करो, शॉपिंग करो, खूब खूब लाइफ एंजॉय करो, या फिर दूसरा तुम अपना कैरियर बनाओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि मैं तुमको एक ही ऑप्शन करवा सकता हूँ, दूसरा नहीं करा सकता हूँ, या तो तुम पढ़ाई करो अपना कैरियर बनाओ, या फिर तुम साज श्रृंगार करो और घूमे फिर एंजॉय करो। तो मैं इस बात पर मतलब उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन बाद में जब मैं ये बात को गहराई से समझी तो मुझे लगा नहीं सही कह रहे हैं, पहले कैरियर बनाना चाहिए, साज श्रृंगार तो बाद में भी कर लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मैं मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमको क्या करना है, तुमको साज श्रृंगार करना है, घूमना है, या फिर तुमको अपना कैरियर बनाना है। तो मैंने कहा मुझे अपना कैरियर बनाना, मुझे पढ़ाई लिखाई करना। तो बोले कि हाँ तो मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, फिर साज श्रृंगार तुम अपना एडजस्ट करके चलोगी, कॉम्प्रोमाइज़ करोगी, तुम्हारे पास जितना है उसी में तुमको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों काम नहीं करा सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं कमाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपना पढ़ाई लिखाई ही करूँगी और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लूँगी। तो उस टाइम हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। तो अभी करवा चौथ की सबकी शॉपिंग चल रही है, तो मैं सोच रही थी एक दिन कि मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है, बट मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं अभी मेरे शादी के टाइम का ही, तो वो सब मिले जुले साड़ी होते हैं ना, वो सब हैं अभी मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं में से किसी एक में से ब्लाउज सिलवा लूँगी और वही साड़ी पहन लूँगी, और जो चूड़ी वगैरह है मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब कुछ ख़रीदने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि शादी में इतने सारे शॉपिंग हो जाती है ना कि वो सब बचा हुआ है अभी, तो वो सब काम चल जाएगा। और उसके बाद अभी देखते हैं इनका मन ये क्या करेंगे, मैंने कुछ नहीं बोला है क्योंकि मुझे पता है फिर ये डांटेंगे मुझे, तो मैं कुछ बोली नहीं हूँ। और डटेंगे क्या ये, मतलब ये कहेंगे कि तुम दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन लो, तो इसलिए। और सबकी शॉपिंग हो रही है, देख के बहुत अच्छा लगता है, और भगवान करे सबका करवा चौथ बहुत अच्छे से जाए, और मैं भी देखो कुछ करूँ शॉपिंग, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि पहले किचन किचन को लेके सब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, कढ़ाई गंदा है, किचन ये है वो है, तो मैं सोच रही हूँ किचन का ही मेकओवर कर दूँ, ये बोले थे शॉपिंग कराने के लिए करवा चौथ में, बट मैंने कहा कि नहीं हम लोग पहले ना किचन का मेकओवर कर देते हैं, क्योंकि करवा चौथ का काम तो मैं अपने पुरानी साड़ियों से भी चला लूँगी, यानी कि जो मेरे पास न्यू साड़ी हैं कोरा साड़ी जो रखे हुए हैं उनमें से काम चला लूँगी, पहले हम लोग किचन का मेकओवर कर लेते हैं। तो ये बोले हाँ ठीक है चलो जो तुमको ठीक लगता है। तो अभी हम लोग जाएंगे एक दिन मार्केट, जिस दिन इनको छुट्टी रहेगा तो हम लोग जाएंगे मार्केट और कुछ शॉपिंग करेंगे किचन के लिए ही, देखो क्या क्या खरीद के लाते हैं, जाएंगे तो शेयर ज़रूर करेंगे। तो बस यही कारण था कि मैं करवा चौथ की कोई भी शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, और बस जितना हो सकेगा सिंपल में ही करवा चौथ करूँगी, देखो कैसा होता है, अगर जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को तो बताते ही रहती हूँ सब कुछ। तो अभी इस ब्लॉग को अब यहाँ पे एंड करते हैं, यही था मेरा रीज़न करवा चौथ में शॉपिंग ना करने की। और पतिदेव ये तो बोले ही थे कि मतलब तुमको दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो एक ऑप्शन मेरा कैरियर ही है, पहले मैं अपना पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ, उसके बाद साज श्रृंगार ज़िंदगी भर होते रहेगा। तो बस और अभी के लिए फिर अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोग शेयर कीजिएगा कि आप लोग करवा चौथ में क्या क्या खरीदे हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।